हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सत्यम, योर एमएफएफ गाइड। तो गाइस, फाइनली द अपडेट पैच नोट्स इज हियर एंड यहाँ हम वो आज देखने वाले हैं। तो यहाँ के देख सकते हो पैच डिटेल्स 627, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं हम, उल्वरिन हैज बिकम ओमेगा उल्वरिन विथ न्यू यूनिफॉर्म एंड टीयर 4। तो टीयर 4 से ओमेगा उल्वरिन बन गया है, राइट। एंड सेवर टूथ विल नाउ द ब्रूटली ऑफ द वाइल्ड विथ न्यू यूनिफॉर्म एंड टीयर 3, ठीक है। तो ये एक रोलिंग पैच होगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ मतलब मेंटेनेंस ऐसा कुछ नहीं होगा, बस सुबह आराम से नींद से उठो एंड पैच डाउनलोड करो, बस अपडेट कंप्लीट, ठीक है। कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, एंड उसी टाइम से यूनिफॉर्म सेल्स भी चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 न्यू यूनिफॉर्म्स। तो पहले हम झट से आ जाते हैं उल्वरिन का यूनिफॉर्म। भाई उल्वरिन का लुक क्या लग रहा है भाई, एकदम बढ़िया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सुपर हीरो है, ठीक है, कॉम्बैट टाइप का है सुपर हीरो, जो एबिलिटी पे है वेपन मास्टर एंड हीलिंग, ठीक है, पहले भी यही था। एंड यहाँ पे है म्यूटेंट मेल ऑर्डर, ओके। तो म्यूटेंट है, मेल है, ऑर्डर है। तो यहाँ पे देख सकते हो यूनिफॉर्म पैसिव जो है, यूनिफॉर्म ऑप्शन वो मान बोनस, वहाँ पे चेन हिट डैमेज 15%, स्किल डैमेज 30, बोनस डैमेज 40 एंड HP जो है 30% जब भी हो जाएगा बिलो उस, तभी 100% रिकवरी हो जाएगा, कूल डाउन टाइम 100 सेकेंड। तो एक बार हम देख लेते हैं गेम पे उसका क्या है। यहाँ पे है 15 40 40, ठीक है, 15 एंड 40 40, ठीक है। अभी एक बार हम गेम पे देख लेते हैं, तो गेम पे भी भाई है 15 एंड जो 30 है उसको 40 किया है स्किल डैमेज। पहले पुराना जो फिनिक्स वाला यूनिफॉर्म है वहाँ पे 30 था, अब उसको 40 किया गया है। एंड बाकी का जो है सेम ही है। यहाँ पे स्किल कूलडाउन चेंज किया है भाई, ये चीज़ चेंज है। देखो रिकवरी HP जो है, अगर न्यू यूनिफॉर्म पे देखते हो, यहाँ पे देखो रिकवरी HP 100% का, कूल डाउन टाइम है 100 सेकेंड। बट अगर पुराना यूनिफॉर्म पे देखते हो तो यहाँ पे है 140 सेकेंड, मतलब 40 सेकेंड वो लोगों ने रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो एवरी 100 सेकेंड ये 100% HP फुल कर लेगा, ठीक है। वैसे भी उल्वरिन है बहुत टैंकी, आप बढ़िया होगा क्योंकि आप टीयर 4 इसको मिल रहा है। तो यहाँ पे आप हम देखते हैं इसका जो टीयर 3 स्किल, यहाँ पे है ब्लीड एडिशनल 50% ब्लीड डैमेज, ओके। डिक्रीज HP रिकवरी, वेट ए मिनट, डिक्रीज HP रिकवरी रेट बाय 50%, रिमूव इलास्टिसिटी, मतलब ओपोनेंट जो रहेगा वो टीयर 3 स्किल जब यूज करोगे उसका रिकवरी रेट 50% डाउन कर देगा, ठीक है। बट ए रिमूवल डिवअप की वजह से हट जाएगा, ठीक है, बट है अच्छा है। इग्नोर टारगेट डॉज रेट है 80%, 80% चांस टू पेनिट्रेट एवरीथिंग, सुपर आर्मर, बेरियर, शील्ड, ऑल डैमेज, इनविजिबल, ओके। इनविजिबिलिटी 10 सेकेंड, एकोमुलेशन 1% टू 1%। ए अगर 1.3 1.4 ऐसा होता तो बढ़िया होता, बट ठीक है। तो हम एक बार पुराना यूनिफॉर्म पे एक बार हम देख लेते हैं टीयर 3 स्किल पे क्या कुछ चेंजेस था क्या। तो यहाँ पे देख सकते हो 80%, ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे 1.1%, ओके। यहाँ पे फायर डैमेज हो तो अब चेंज हो जाएगा। इनविजिबिलिटी देखो यहाँ पे 7 सेकेंड का है, बट अभी इनविजिबिलिटी जो है वो 10 सेकेंड कर दिया गया है, पहले 7 सेकेंड था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेकेंड का चेंज है, तो बढ़िया है। तो अभी 10 सेकेंड के लिए गार्ड ब्रेक नहीं होगा उल्वरिन। उसके बाद है जो टीयर मतलब नॉर्मल जो पैसिव है रीजनरेशन 4-स्टार पैसिव, उस पर है 20% इग्नोर डिफेंस। भाई ये 20% इग्नोर डिफेंस की जगह यहाँ पे इग्नोर डॉज दे देते तो बढ़िया होता, बट अच्छा है जो जिन प्लेयर के पास इग्नोर डिफेंस उतना नहीं होगा उसके लिए अच्छा है। उसके बाद है डिक्रीज बेसिक डैमेज रिसीव 25%, HP 99%, वो है 6% का। ये शायद पहले भी भाई था, एक बार ये भी हम चेक कर लेंगे भाई, पूरा डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। तो एक सेकेंड अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 20% इग्नोर डिफेंस, जो कि हाँ 20% सेम है। डिक्रीज डैमेज रिसीव जो न्यू यूनिफॉर्म पे 25, ये भी 25 है, 99% का HP से 6% रिकवरी, ये भी एकदम सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद है टीयर 2, यहाँ पे क्रिटिकल रेट, सुपर आर्मर क्रिटिकल डैमेज, क्रिटिकल 50-50, वो भी पुराने यूनिफॉर्म में भी था, एंड सुपर आर्मर ऑल डिफेंस 50% का, ठीक है भाई। ये भी सेम है यार, ये भी सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है इस पे भी, ओके। देन हम आ जाते हैं, अभी देखते हैं अब स्किल्स पे चेंजेस रहेगा। अब स्किल्स पे देखो, यहाँ पे मूवमेंट वी पैड स्किल दिया है भाई,
तो एक बढ़िया चीज हुआ वीपैड स्किल वो लोगों ने दिया, मतलब स्किल लेके कैरेक्टर इधर उधर जा सकते हो, ठीक है। तो वीपैड स्किल दिया स्किल टू पे, स्किल वन पे ब्लीड साइलेंस, ओके, यहाँ पे ब्लीड स्टन, ठीक है। स्किल थ्री ब्लीड पैरालिसिस इनविजिबिलिटी 5 सेकंड के लिए, इनविजिबिलिटी 5 सेकंड के लिए, ओके। ऑल अटैक जो है 50% का रहेगा, ओके, मतलब एक प्रॉक नहीं है, एक फ्रेंजी बफ टाइप का है, ठीक है। उसके बाद है क्लॉक टियर 4-स्टार स्किल जो है, मतलब स्किल 4th स्किल पे है ब्लीड पैरालिसिस, अगेन डिक्रीज रिकवरी रेट 50%, ओके। एंड यहाँ पे है फिजिकल डैमेज, यहाँ तक कोई भी पेनिट्रेशन या ऐसा कुछ नहीं है। स्किल 1, 2, 3, 4 भाई 4 स्किल पे कुछ नहीं है, ठीक है। एंड 5th स्किल है स्पेस, मतलब वो स्पाइसी स्किल है 5th स्किल। यहाँ पे देख सकते हो इग्नोर टारगेटिंग, कोई मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा कि ओपोनेंट हिट करेगा तभी तुम अटैक करोगे, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस 5th स्किल प्रेस कर दो, वो एनिमी आई फ्रेम मतलब एनिमेशन पे रहे या ना रहे तुम हिट कर पाओगे उसको, क्योंकि यहाँ पे इग्नोर टारगेटिंग है। एनिमीज डील्स ब्लीड डैमेज है, एनिमीज को ब्लीड डैमेज करेगा, डिक्रीज रिकवरी रेट अगेन 50% रिकवरी रेट कम कर देगा। इनकैपेसिटेशन रिमूव एक्टिव बफ, मतलब जो भी उसका ऑल अटैक ऑल डिफेंस वाला जो बफ रहेगा वो एक्टिव बफ को सभी वो मतलब एकदम रिमूव कर देगा। एंड कैरेक्टर खुद के लिए डिक्रीज डीबफ ड्यूरेशन, मतलब स्टन पैरालिसिस जो कुछ रहता है ये 90%, मतलब 3 सेकंड होता तो अब 1 सेकंड होगा, ठीक है। तो ये बढ़िया है, मतलब रिमूव ऑल डिबफ ही समझ लो, बस ऐसा ही कुछ है। ऊपर से इग्नोर टारगेट डॉज 50% का इग्नोर डॉज हो जाएगा, ओके, मतलब स्पाइडी तो गया। 60% चांस टू पेनिट्रेट ऑल सुपर आर्मर बैरियर शील्ड ऑल डैमेज इम्यून इनविंसिबिलिटी, ओके, एवरीथिंग। इंक्रीज ऑल अटैक 30%, मतलब यहाँ पे था एक 50% का 7 सेकंड का, एंड यहाँ पे भी है ऑल अटैक 7 सेकंड का, ओके, यहाँ पे भी 30%, मतलब 80% हो गया। स्पीड 10, क्रिटिकल रेट 20, नाइस। तो क्रिटिकल रेट इसका ऑलरेडी 70% हो ही गया बेस, मतलब बेस किट पे ही, ओके। एंड 40% का एक डैमेज प्रोक है। अब अगर हम पहले पुराना यूनिफॉर्म से अगर देख लेते हैं, तो एक बार पुराना यूनिफॉर्म पे हम एक बार देख लेते हैं स्किल पे कितना ज़्यादा चेंजेस है। तो अगर हम पुराना स्किल्स पे एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे है देख सकते हो स्किल 1 पे कुछ भी नहीं था, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। स्किल 2 इस पे भी कुछ नहीं है। स्किल 3 था इसका स्पाइसी स्किल, इसी यही पे देखो काउंटर अटैक्स व्हेन एनिमी अगेंस्ट, ठीक है, व्हेन डिफेंडिंग अगेंस्ट एन एनिमी अटैक एनेबल अटैकिंग एनिमी हु हैव एक्टिवेटेड द आई फ्रेम टारगेटिंग इग्नोर टारगेटिंग, मतलब पूरा वेट करता था ये स्किल दे के, ठीक है, जब एनिमी हिट करेगा तब उसको हिट करता था वरना नहीं। तो अच्छा है, अब इसको चेंज करके पूरा 5th स्किल पे डाल दिया ये पूरा प्रोसेस। एंड यहाँ पे देख सकते हो 80% का ट्रॉक था वो इसको हटा के 5th स्किल पे शायद 40% का या ऐसा कुछ, हाँ 40% का, यहाँ पे देखो 5th स्किल जो 3rd स्किल पे था 80% का उसको 5th स्किल पे 40% करके दिया, बट इग्नोर टारगेटिंग कर दिया आपको, मतलब वेट नहीं करेगा कि ओपोनेंट जब हिट करेगा तब अटैक करेगा, वो नहीं करेगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो बाकी 3rd स्किल था अच्छा, 4th स्किल पे एनिमीज पे लिए जो था वो कुछ, एंड इग्नोर टारगेट डॉज 40% था 4th स्किल पे, एंड 5th स्किल पे था इस यहाँ पे पेनिट्रेशन था, ठीक है। मतलब अगर देखते हो भाई इसका 3rd स्किल पे भी पेनिट्रेशन था एंड 5th स्किल पे भी पेनिट्रेशन था, ठीक है, यहाँ पे बस बफ था, बफ 30% का पहले अभी भी भाई है, पहले ही भाई था। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे देखते हो भाई तो वो तो नहीं रहा यार, बस एक ही पे मतलब सब कुछ डाल दिया जो 3rd स्किल पे था, यहाँ पे पेनिट्रेशन था एंड 5th ही पेनिट्रेशन था, अब वो नहीं रहा, अब कोई भी स्किल पे पेनिट्रेशन नहीं है, 1, 2, 3, 4 सब देख लो किसी पे नहीं है, बस स्किल 5 पे है। तो ये थोड़ा अजीब लगा बट ठीक है, एटलीस्ट जब देख पता चलेगा जब ये गेम पे आएगा। एंड बाकी का यहाँ पे तो ठीक ही लग रहा है, ठीक है, ये सब कुछ सेम ही है ऑलमोस्ट। अब आ जाता है सेबर टूथ भाई, ये मतलब आउट ऑफ द बॉक्स हो गया है यार, मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा होगा क्योंकि, पर बढ़िया है, चलो अब देखते हैं। तो सुपर विलन है कॉम्बैट टाइप का, ओके, एंड यूनिफॉर्म जैसा है 1050 में मिलेगा, नाइस। म्यूटेंट मेल डिस्ट्रैक्शन,
डिस्ट्रक्शन, ओके। तो म्यूटेंट मेल डिस्ट्रक्शन पे है प्योर इवेल एंड एजिलिटी, ओके। यूनिफॉर्म इफेक्ट पे है चेन हिट 20%, गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी डिक्रीज बेसिक डैमेज रिसीव बाय 40%, ओके। मतलब गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी भी दे दिया, चेन हिट भी दे दिया, डिक्रीज डैमेज रिसीव भी दे दिया, मतलब हो गया आप, ठीक है। या तो आराम से तुम इसको माइटी जी एक दे सकते हो, ठीक है, जो सिर्फ सिटी ऑफ रिफाइनमेंट और ग्रिड भी दे सकते हो, ना भी दो तभी चलेगा, बट इसको माइटी रिफाइनमेंट इसके लिए बेस्ट हो गया क्योंकि गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी इसको दे दिया। अब बाकी का नीचे देखो, फर्स्ट स्किल पे है ब्लीड स्टन फिजिकल डैमेज, ओके। सेकेंड स्किल भाई एनेबल्स अटैकिंग एनिमी हु हैव एक्टिवेट द इग्नोर टारगेटिंग इफेक्ट, मतलब ये इग्नोर टारगेट कर रहा है आप, ये स्किल पूरा इग्नोर आई फ्रेम कर देगा, एनिमी जहाँ भी हो बस ये हिट करेगा ये भाई, ठीक है। ब्लीड है, एनिमीज को ब्लीड देगा, स्टान साइलेंस मोकरी, मोकरी इफेक्ट मतलब देखो, मोकरी मतलब टॉन्ट करेगा, मतलब ये स्किल जब दोगे, या तो लाइक तुम सोचो अदर वर्ल्ड बैटल पे एक कैरेक्टर नमा, ठीक है, मतलब एक कैरेक्टर लैंड हुआ अपना पोजीशन पे, ये जब सेकेंड स्किल प्रेस करेगा तो तुम्हारा बाकी का जो कैरेक्टर था, बाकी कैरेक्टर पे हिट कर रहा था तुम्हारा, उस पे ना हिट करके सभी इसको अटैक करने आएगा, एंड ये तब भाई फाड़ देगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो रिमूवल डिबफ भी है, बेरियर है, 40% पेनिट्रेशन भी है, एंड इस पर डैमेज टेकन वाला एक्यूमुलेशन है, ठीक है। उल्वरीन का जो था, उल्वरीन का डैमेज डेल्ट वाला एक्यूमुलेशन है, जितना डैमेज करेगा उतना डैमेज बढ़ेगा उल्वरीन का, बट इसका डैमेज टेकन वाला है, देखो इंक्रीज अटैक 10% बाय दैट 100% चांस टू नॉट रिसीव द सुपर आर्मर बेरियर सील ऑल डैमेज एंड इनविजिबल इफेक्ट, ठीक है। मतलब जितना मुझे पता है ये डैमेज टेकन वाला इफेक्ट है, ठीक है, इसको जितना मतलब अटैक खाएगा वो उतना मतलब अटैक देगा ये जो है, एंड ये मोकरी मतलब पूरा एकदम टॉन्ट कर देगा सभी एनिमी, इसको मारने आएगा, बाकी एनिमीज को छोड़ देगा एंड इसको मारेगा, एंड यही इफेक्ट सेम शायद उस पर भी था जो थेनोस का पैसिव पे है, कि ये जो मोकरी वाला कैरेक्टर्स पे थेनोस ज़्यादा डैमेज करता है, 80% शायद ज़्यादा डैमेज करता है, एंड ब्लू मार्वल पे भी यही इफेक्ट था ये मोकरी वाला, और देखना पड़ेगा कितना ओपी होता है स्किल, ठीक है। अगर ये वन शॉट जैसा स्किल हो जाए भाई तो आतंक हो जाएगा यार, मतलब बढ़िया। अब थर्ड स्किल पे देखते हैं, यहाँ पे है इनकैपेसिटेशन पैरालिसिस एंड खुद के लिए सुपर आर्मर ऑल डिफेंस, ओके। इंक्रीज ऑल बेसिक अटैक 45%, ऑल स्पीड 5%, क्रिटिकल रेट 35%, ओके 7 सेकंड के लिए। 100% चांस टू ग्रांट ऑल डैमेज इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी मिलेगा इसको जब ये थर्ड स्किल यूज कर दोगे, सेकेंड स्किल पे नहीं है, फर्स्ट स्किल पे नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, थर्ड स्किल पे इसका इम्यूनिटी हो गया। अब फोर्थ पे अगर आता है तो फोर्थ पे है ब्लीड डिक्रीज ऑल रिकवरी रेट, तो ये भी रिकवरी रेट डिक्रीज कर देगा, ठीक है। उसके बाद इनविजिबिलिटी, मतलब इनविजिबिलिटी जब मिलेगा तो इसको गार्ड ब्रेक नहीं होगा, एंड भाई तो बढ़िया है, फोर्थ स्किल भी अच्छा है, मतलब एटलीस्ट इनविजिबिलिटी के लिए, इनविजिबिलिटी के लिए अच्छा है। एंड फिफ्थ स्किल ब्लीड डिक्रीज ऑल डिक्रीजेज रिकवरी रेट, अगेन यहाँ पे भी डिक्रीज कर देगा एनिमी का रिकवरी रेट। पैरालिसिस डिक्रीज ऑल बेसिक डिफेंस, ठीक है अभी तो इतना उतना यूज नहीं होता, बट इग्नोर डॉज 40%, इसको इग्नोर डॉज भी दे दिया, ठीक है। ऑल अटैक 55%, ऑल डिफेंस 70%, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं, वेट ए मिनट, इसका हम चलो लोगन चाचा तुम्हारा हमने देख लिया, अभी हम एक बार इसका देखते हैं भाई, मेरे पास नहीं है कैरेक्टर, अब मुझे भी लेना पड़ेगा, अभी नहीं ले सकता बट बाद में जरूर लूँगा, यूनिफॉर्म से देखता हूँ, एंड टीयर 2 करके देखना पड़ेगा, जो कि हमने क्या चेक करना था, हमको चेक करना था इग्नोर टारगेट डॉज था एंड रिकवर रेट, ए वाला फ्रेंडशिप अब देखना है कि पहले ए वाला यूनिफॉर्म पे था या नहीं, भाई कुछ भी नहीं था, इसको पूरा टॉप टू बॉटम रिवर्क मिल रहा है भाई, ठीक है। इसको अगर देख सकते हो तो यहाँ पे उतना कुछ नहीं था, ओके। एंड यूनिफॉर्म पे तो गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी ये सब तो छोड़ ही दो, कुछ नहीं था। अगर यहाँ पे हम यूनिफॉर्म पे भी आते हैं, शेवर टूथ किधर गए भाई, बहुत नीचे यूनिफॉर्म है क्योंकि बहुत पहले आया था, किधर गए भाई सेवर टूथ, ए रहा वो था नीचे नहीं था, ठीक है भाई। सिर्फ चेन हिट डैमेज था पहले, सिर्फ चेन हिट डैमेज था, एंड भाई उसके जगह अभी किया गया मिल रहा है
चेन हिट डैमेज, गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी, डिक्रीज डैमेज रिसीव। भाई साहब तो बढ़िया है यार, मतलब ये जो जितने भी स्किल्स का बफ है ऐसा कुछ भी नहीं था ये जो पुराना यूनिफॉर्म्स जो है, तो बढ़िया है भाई। एंड इसका एचपी रिकवरी भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इसका एचपी रिकवरी कितना है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मार्वल यूनिवर्स, यहाँ पे आ जाओ कॉम्बैट, कॉम्बैट पे आते हैं। 5% का भाई एचपी रिकवरी, 5% का है। उल्वरिन का पास, लोगन के पास 6% का, इसके पास 5% का, तो ये कंसिस्टेंट हील करता रहेगा, ठीक है। जब भी 99% के नीचे हो जाएगा ये कंसिस्टेंट हील करता रहेगा, तो भाई ये बहुत बड़ा चीज है यार। तो मतलब लाइक कार्नेज ये सब एडम, इनके लिए आर्टिफैक्ट चाहिए तब जाके हील मिलता है। कार्नेज का छोड़ देता है एडम का, बट इसके पास ऑल टाइम हीलिंग वाला इफेक्ट अप्लाई होता रहेगा जब भी एचपी कम हो जाएगा, तो एक बढ़िया चीज है। एंड यही था, तो यही था यूनिफॉर्म्स। अब हम आ जाते हैं द मेन शो, जो जिसके लिए हम सभी वेट कर रहे थे, उल्वरिन टीयर 4। तो उल्वरिन हैज नाउ अवेलेबल फॉर टीयर 4 एडवांसमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या है, इंक्रीज ऑल बेसिक अटैक 80%, सुपर्ब, इंक्रीज एक्टिव बफ इफेक्ट 20%, 60% इंक्रीज ऑफ मैक्स एचपी। ओएमजी भाई साहब, मतलब ऑल अटैक 80% बढ़ेगा। अब देखना पड़ेगा ये एक्टिव बफ मतलब थॉर का जैसा है, तो 80% का 20% और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये एक्टिव बफ इफेक्ट से, तो इसका मतलब मैक्स एचपी में भी और 20% बढ़ेगा, मतलब 60 का 20% जितना होता है वो बढ़ेगा। एंड यहाँ पे ऑल अटैक जो 80% का है उसका भी 20% बढ़ेगा, यानी बफ बफ का कुछ नहीं बढ़ेगा क्योंकि बफ 20% ही है। एंड बाकी का जो ये जितना भी अटैक्स था भाई, ठीक है, ये जो चेन हिट डैमेज या यहाँ पे देख सकते हो एकुमुलेशन एंड ये जो फ्रेंजी बफ जो रहेगा, ये ऑल अटैक वाला, ऑल अटैक, ऑल डिफेंस, ये सभी का 20% करके बढ़ जाएगा भाई। तो ये बढ़िया है, ऊपर से एक्टिव बफ तो हो गया, ऑल अटैक भी 80% बढ़ेगा, नाइस, एंड 60% मैक्स एचपी। तो ऑलरेडी उल्वरिन जब टीयर 4 होगा ऑलमोस्ट इसके पास 300 के एचपी होगा ही, उसके ऊपर और 60% भाई, तो क्या 400 या 500 के एचपी हो जाएगा, 5-6 लाख एचपी होगा क्या उल्वरिन का भाई। ऊपर से भाई इसके पास है इमोर्टलिटी भाई, मतलब एडम, मुझे नहीं लगता एडम के अलावा कोई इसको मार पाएगा, या फिर रिफ्लेक्ट वाला कोलोसास, लॉर्ड कोलोसास इसको मार सकता है फिजिकल रिफ्लेक्ट करके, बाकी मुझे नहीं लगता और कोई मार पाएगा। मतलब जीन भी हो सकता है पर देखते हैं, मुझे नहीं लगता क्योंकि ये जो बफ है ना टीआर 4 पे, मुझे लगता है जीन को ये मार देगा, अब देखना पड़ेगा भाई। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेवर टूथ टीआर 3। तो सेवर टूथ को टीआर 3 मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो एनिमी ब्लीड हैज डिक्रीज जो है रिकवरी रेट, यहाँ पे भी स्टान फियर फ्रैक्चर पैरालिसिस 80% पेनिट्रेट, ओके, इनविजिबिलिटी भी 7 सेकंड का। एंड अगेन यहाँ पे भी है 150, मतलब हमने पहले देखा था 200 का प्रोक था मिगेल ओहारा जो है स्पाइडरमैन 2099, अभी हम वो भाई मिल रहा है जस्ट उससे 50% कम है, बट 150 का एक डैमेज प्रोक सेवा टूथ का भाई, मतलब ये एकदम ओपी कैरेक्टर होगा ये, कह सकता हूँ पीवीपी के लिए, मतलब बढ़िया लग रहा है। टीयर देखो अभी का टाइम पे टीयर 4 ज़्यादा मतलब स्पॉटलाइट ले लेता है, बट टीयर 3 भी अच्छा हो सकता है अगर ये जो यहाँ पे जो हमको दिख रहा है अगर एक गेम पे भी ऐसा अच्छा अगर हो जाए तो, क्योंकि क्रिवेन के टाइम पे भी यहाँ पे बहुत बढ़िया लिख रहा था बट गेम पे सबको पता है कैसा हो गया, तो अब देखना पड़ेगा एक गेम पे कैसा रहता है। तो बढ़िया है, यहाँ पे देख सकते हो टीयर 3 का स्किल, तो 163 हिट किया 3 अटैक मतलब 3 एनिमीज पे, तो बढ़िया है। अब हम आ जाते हैं द न्यू आर्टिफैक्ट ओएमजी, गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी, एचपी ड्रॉप्स, एचपी डज नॉट ड्रॉप टू 1 और बिलो, एचपी रिकवर्स 50% ऑफ एचपी आफ्टर द इफेक्ट एंड्स, रिकवर्स एडिशनल 0.5% ऑफ टोटल स्टेट, मतलब इमोर्टलिटी भाई। जो उल्वरिन, कार्नेज, नाल, हेला
इनके पास जो है वो सेबाटूथ को मिल रहा है। एंड ए आर्टिफैक्ट भाई जाने मत देना। ए अभी जो इवेंट चल रहा है, मैं अभी गेम पे आता हूँ। अभी जो यहाँ पे अगर देख सकते हो इवेंट क्वेस्ट, एंड यहाँ पे अभी जो इवेंट चल रहा है, अरे यार इतना एडवर्टाइज चलो ऑफ हो जाओ। यहाँ पे अभी जो इवेंट चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो फोस्टर आर्टिफैक्ट, यहाँ पे सेबाटूथ का नहीं है क्योंकि अभी वो लोग आया नहीं। नेक्स्ट ए वाला जो इवेंट आएगा वहाँ पे आर्टिफैक्ट सिलेक्टर में सेबाटूथ का आर्टिफैक्ट यहाँ पे आ जाएगा एंड पुराना ए वाला आर्टिफैक्ट सब चला जाएगा। तो मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि सेबाटूथ लो अभी या ना लो, सेबाटूथ का आर्टिफैक्ट लेके रख लेना, वरना भाई मेरा जैसा हल हो जाएगा। मैंने एडम का नहीं लिया था, मैंने कार्नेज का नहीं लिया था, एंड अभी देखो सभी के आर्टिफैक्ट इतना ज़रूरत है बट उनका आर्टिफैक्ट मिल ही नहीं रहा यार। ठीक है, मतलब मैं बहुत मतलब 10-15 हज़ार सीसी वो जो है सिलेस्टियल एसेंस मैंने उड़ा दिया बट मुझे 3 स्टार भी नहीं मिला। तो ये जो इमोर्टलिटी वाला आर्टिफैक्ट मिलता है ये एकदम गेम का मतलब बहुत रेयर आइटम रहता है। तो ये वाला आर्टिफैक्ट्स भाई ले लेना, जब भी इवेंट पे आ जाएगा अगर फ्री में मिले तो ये ले लेना, वरना तुमको क्रिस्टल देके ऑलमोस्ट 20,000 से ऐसा ही कुछ 20,000 क्रिस्टल देके तुमको आर्टिफैक्ट सिलेक्टर से इसको लेना पड़ेगा। तो भाई मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। तो जब नेक्स्ट इवेंट पे आएगा तो ये आर्टिफैक्ट चूज कर लेना भाई लोग। ठीक है, अब ये हो गया पूरा पैच नोट्स। हाँ मैंने बहुत ज़्यादा ही टाइम ले लिया बट ऐसा ही है भाई अपडेट, मतलब ये हाइप है पूरा ये अपडेट के लिए। एंड लास्ट पे है अदर इम्प्रूवमेंट चेंजेस। भाई ये बहुत फनी थिंग हुआ, ठीक है, मतलब एक ही दिन पहले मैंने क्लियर किया था ये चैलेंज और ये बहुत हार्ड था भाई। 22% का पियर्स लेके भी मेरा हालत ख़राब हो रहा था। यहाँ पे देख सकते हो कैंग का स्टेज 10 पे है ये वाला चैलेंज। मैंने एक वीडियो भी बनाने का सोच रहा था कि ये जो कैंग कॉन्करर लेजेंड 6 स्टेज 9 विद इन 100 सेकेंड तो कैसे क्लियर करना है, मैं सोच रहा था इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। भाई बहुत हार्ड है, मैं कह सकता हूँ ब्लैक बोल्ट के अलावा मेरा जिन भी टीयर 4 जिन भी नहीं क्लियर कर पाया स्टेज, ओनली ब्लैक बोल्ट टीयर 4 ये स्टेज क्लियर कर दिया। बट अब तुमको वो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं क्योंकि वो लोगों ने यहाँ पे उसको चेंज कर दिया, मतलब थोड़ा इजी कर दिया, क्लियर विद इन 150 सेकेंड उसको आप वो लोग चेंज करके 180 सेकेंड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 सेकेंड का ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। एंड यहाँ पे जो 100 सेकेंड पे था वो आप तुमको 50 सेकेंड और देंगे, तो ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। मतलब इसके लिए अब तुमको क्रिस्टल स्पेंड करने का ज़रूरत नहीं है, बस कैरेक्टर को अच्छे से बिल्ड करो एंड अच्छे से खेलो, बस तब भी हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये बढ़िया चीज़ है, मतलब एक ही दिन पहले यार, मतलब सिनेगलस ने भी बोला था मुझे भाई ऐसा करो यार, मैंने ट्राई किया हो गया था बट अच्छा है कि वो लोगों ने इसको चेंज कर दिया भाई, चीज़ कम कर दिया। एंड देन आता है थोड़ा सा चेंज ऑन अदर वर्ल्ड बैटल, जो है पहले था डेली अदर वर्ल्ड बैटल विन ऑल कैरेक्टर्स एट 70% HP और हायर। भाई ये इम्पॉसिबल है, कैरेक्टर बच ही नहीं रहा भाई। जो अपोनेंट का टीम आता है ना, ऑलमोस्ट गॉड लेवल का टीम आता है, ठीक है, तो उनके साथ तुम 70% और प्लस HP लेके तुम जीत ही नहीं पाओगे। बहुत कम, अगर तुमको मतलब एटलीस्ट 40-50 बार अगर हर डे खेलते हो एंड वहाँ पे अगर एक दो बंदा आ जाता है जिसने अच्छे टीम नहीं सेट करके रखा तो हो सकता है, वरना नहीं होगा। बट आप वो लोगों ने चेंज करके इसको 50% और हायर कर रहा है, तो मुझे तब भी नहीं समझ नहीं आ रहा कि 5 चांसेस पे नहीं क्लियर होगा। एटलीस्ट तुमको फिर बहुत ज़्यादा रन करना पड़ेगा तब जाके होगा, जो मुझे लगता है। एंड उसके बाद वीकली वहाँ पे भी 70% को हटा के 50% कर दिया है, तो थोड़ा सा चेंजेस है बट ठीक है। उसके बाद है गेम मिरर फिक्सेस द मैक्सिमम पॉइंट चैलेंजर लीग डिस्प्ले 5500 एट द माय लीग इंफो पॉप अप आफ्टर बिगिनिंग ऑफ अदर वर्ल्ड सीजन 2 हैज बीन फिक्स्ड। तो अभी जैसे कि यहाँ पे अगर देख सकते हो गेम पे अगर हम आ जाते हैं तो अदर वर्ल्ड बैटल पे आते हैं एरिना अदर वर्ल्ड बैटल, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 5500 दिख रहा है बट यहाँ पे सभी 45,000 मतलब 4500 पे अटक गए। ठीक है, तो इसको वो लोगों ने फिक्स कर दिया, यहाँ पे आप वो नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे 4500 दिखेगा आप। एंड एक जो देख सकते हो यहाँ पे रिवॉर्ड्स के टाइम पे यहाँ पे दिखेगा
ये जो देखो मेरा भी ये मैं होता ही नहीं, ये 70% वाला एंड हायर, ये वाला वो लोगों ने चेंज कर रहा है, तो ठीक है। एंड बस यही था पैच नोट्स, ऑलमोस्ट 25 मिनट का वीडियो हो गया भाई, तो ठीक है, बढ़िया लगा भाई। वुल्वरीन का लुक मुझे बढ़िया लग रहा है, पूरा एकदम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टाइप का। मैं इसका यूनिफॉर्म लेने वाला हूँ, कल ही लूँगा, अगर मुझे लाइव करने का टाइम मिल जाए तो मैं लाइव भी कर सकता हूँ, एंड लाइव करूँ तो इसका यूनिफॉर्म मैं तुरंत लूँगा, ठीक है। एंड इसको अपग्रेड नहीं कर सकता यूनिफॉर्म, क्योंकि इसका यूनिफॉर्म ऑप्शन अभी एकदम बेकार से भी बेकार है, अभी मैं एक मिनट पर आ रहा हूँ उस पर, बट इसका मैं रिव्यू आएगा चैनल पर, ठीक है। एंड सेबरटूथ का सॉरी टू से, सेबरटूथ का मैं परचेस नहीं कर सकता, बट मैं ट्राई करूँगा किसी और का आईडी अगर मिल जाए, किसी और दोस्त ने अगर हेल्प कर दिया तो उस वहाँ से जुगाड़ करके इसका वीडियो बनाने का। बट वुल्वरीन का 110% वीडियो आएगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून एंड वेट करना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्समैन अपडेट सेलिब्रेशन इवेंट। तो इस सेलिब्रेशन इवेंट जो है वो मतलब उसका नोटिस दे दिया भाई, यहाँ पे देख सकते हो लुक, वुल्वरीन पूरा एकदम खुश लग रहा है, एकदम हैप्पी मूड पे है भाई, फाइनली टियर फोन मिल रहा है, ठीक है। देखो मुंह पे एकदम स्माइल अलग लेवल का है, बट ये इसका मुंह देखो भाई, ये एकदम मतलब खुशी पे है या गुस्से पे है पता नहीं भाई, बट ठीक है, मतलब लुक मुझे अच्छा लगा एंड अपग्रेड भी। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्समैन अपडेट सेलिब्रेशन इवेंट, तो क्या क्या मिल रहा है, न्यू यूनिफॉर्म प्लस यूनिफॉर्म ऑप्शन सेल, ये ऑल यूनिफॉर्म सेल नहीं है, ठीक है, सभी यूनिफॉर्म सेल पे नहीं मिलेगा, बस ये दो यूनिफॉर्म एंड इसका ऑप्शन। अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो वुल्वरीन का ऑप्शन है जेन फोस्टर, अच्छा यूनिफॉर्म है, बढ़िया कैरेक्टर है, बट यूजलेस है अभी। एडम वॉरलॉक इन्फिनिटी काउंटडाउन, भाई साहब ये दिल पे भाई तुम लोगों ने पत्थर रख दिया यार, मतलब इतना इसका अभी कुछ ही मैं मतलब दिन पहले इसका यूनिफॉर्म आया उसको ना देखे तुमने ये यूनिफॉर्म दे दिया। पनिशर फिस्ट ऑफ द बीस्ट, भाई ये इसका 6-star आर्टिफैक्ट है मेरे पास, बस इसको यूज ही नहीं करता, मतलब बकवास है, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म दे दिया। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, भाई नो वे होम आ गया, बेसिक आ गया, बैक टू द बेसिक, तुम लोग अभी भी फार फ्रॉम होम में पड़े हो। फिर है रेस्क्यू एक पे, भाई मतलब इससे बकवास कोई हो सकता है, एक कैरेक्टर जो अभी रिप्लेस हो गया है, मतलब यूज नहीं होता, बट ठीक है, एक कैरेक्टर 6600 क्रिस्टल्स का कैरेक्टर ऊपर से जिसका यूनिफॉर्म लेटेस्ट आया, एक कैरेक्टर जिसका यूज नहीं होता, एक कैरेक्टर जिसका तीन मतलब दो अपडेट आ गया जिसके यूनिफॉर्म के बाद वो यूनिफॉर्म, एंड लास्ट वाला जिसका जिसके लिए तुमको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब पे वॉल कैरेक्टर है, अगर फ्री में नहीं मिलता है तो तुमको मतलब फ्री में तो नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि डिमेंशन शॉप से भी नहीं मिलेगा, डिमेंशन मिशन से भी इसको नहीं मिलेगा, तो इसके लिए तुमको रियल मनी स्पेंड करना पड़ेगा, मतलब इससे बकवास ऑप्शंस मैंने आज तक नहीं देखा, ठीक है, मतलब इतना बढ़िया कैरेक्टर भाई जिसके लिए लोग सभी लोग अपग्रेड करेंगे, जिसको सभी लोग परचेज करेंगे था, चाहे रिव्यू देखे या ना देखे, उसका यूनिफॉर्म ऑप्शन इतना बकवास नहीं देना चाहिए था। फिर आता है सेवाटूथ का, भाई सेवाटूथ का देखो लूना सुनो, ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास ये यूनिफॉर्म है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बट इसका ग्रीन स्टार्ट पे है। नेक्स्ट में डेडपूल, डेडपूल का यूनिफॉर्म ऑलमोस्ट सभी ओल्ड प्लेयर्स के पास है, न्यू प्लेयर्स के लिए वर्थ इट नहीं है, बट ठीक है। हल्क अच्छा है, मकारी ये भी अच्छा कैरेक्टर है, उतना बेकार नहीं है, एंड प्रोफेसर एक्स, मतलब यहाँ पे भी देखो एक प्रीमियम, एक क्रिस्टल वॉल, मतलब एपिक क्वेस्ट कैरेक्टर, एक आ गया डेंजर रूम या ए भी प्रीमियम कैरेक्टर, ठीक है, एंड ए वाला तो मतलब डबल कॉस्ट कैरेक्टर। तो यूनिफॉर्म ऑप्शन भाई जिसने बनाया है उसको मतलब बहुत मारना चाहिए भाई, मतलब ऐसा मतलब यूनिफॉर्म ऑप्शन भाई क्या ही बोलूँ, ए वाला तब भी ठीक है क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ए तीन अवेलेबल है, बट मुझे नहीं लगता सभी लोगों के पास ये हाल को छोड़ के सभी ऑप्शन होगा अवेलेबल। तो जब देखो हल्क दे सकते हो एकदम लेटेस्ट वाला, तो बाकी का ए यूनिफॉर्म्स भी लेटेस्ट वाला क्यों नहीं दे सकते भाई, यही बोलो यार, ठीक है। तो यार हो गया यूनिफॉर्म ऑप्शंस, हक दिया पूरा यहाँ पे एकदम हक दिया। फिर है सेबरटूथ क्रिस्टल हीरो, तो अभी देखो यहाँ पे 20% डिस्काउंट है, 2500 क्रिस्टल्स पे अभी गेम पे मिलेगा, अगर अभी देखते हो गेम पे, अगर हम कहाँ से हाउ टू गेट सेबरटूथ, स्टोर पे आओ, यहाँ पे आ जाना कैरेक्टर्स पे, यहाँ पे देख सकते हो सेबरटूथ, ठीक है,
यहाँ पे 2500 क्रिस्टल स्पेंड करना पड़ेगा तब तुमको सेवर टूथ मिलेगा, एंड 6 स्टार वाला मिलेगा, टीयर 2 पे नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको बस तुमको 6 स्टार करने को मिलेगा, फिर इसका तुमको मेगा टीयर 2 टिकट देके और इसका बायोमेट्रिक्स तुमको खरीदना पड़ेगा और 1000 क्रिस्टल देके फिर तुम यहाँ पे इसको बिल्ड कर सकते हो। बट अभी ये जो 2500 क्रिस्टल का है, अगर अपडेट के बाद जो इवेंट चलेगा तब इसका 2000 क्रिस्टल होगा, मतलब 500 क्रिस्टल कम होगा, एंड उसके बाद जो 1250 क्रिस्टल आएगा वहाँ पे बस 250 क्रिस्टल ऑफ रहेगा। तो अगर तुमको अभी चाहिए सेवा टूथ, मतलब यही अपडेट पे ही तुमको सेवा टूथ को बिल्ड करना है तो ले सकते हो, वरना मैं बोलूँगा जो मैं जो खुद करूँगा वो है सेवा टूथ को मैं अभी नहीं परचेस करूँगा, इसका आर्टिफैक्ट लेके रख लूँगा, ब्लैक फ्राइडे पे मैं सेवा टूथ को अनलॉक करूँगा, क्योंकि तब इसको 30% डिस्काउंट मिलेगा एंड 1750 क्रिस्टल्स पे मिलेगा, एंड मैं मेगा टीयर 2 दे के आराम से सेवा टूथ को टीयर 2 भी कर लूँगा एंड अभी आराम से वुल्वरीन को लेके इन्जॉय करूँगा, ठीक है। तो अगर तुम सेवा टूथ का भी बहुत बड़ा फैन हो तो मैं तुम आराम से ले सकते हो इवेंट पे, तब 2000 क्रिस्टल का हो जाएगा, वरना मैं बोलूँगा ब्लैक फ्राइडे पे ले सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी तुम कर सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद ग्रोथ इवेंट, तो यहाँ पे टीयर 4 करने पे टाइटन कंपोनेंट पैक मिलेगा, भाई यहाँ पे सोलो फेल्टाइन या कार्बोनेडियम दे देते तो बढ़िया होता। टीयर 3 करने पे फिनिक्स फेजा रे मिलेगा एंड यूनिफॉर्म बोनस, अगर यूनिफॉर्म अपग्रेड करते हो तो यहाँ पे यूनिफॉर्म किट मिलेगा भाई, तो ठीक ही है। रेयर एंड लेजेंडरी पे मिलेगा, मिथिक करने का जरूरत नहीं, रेयर एंड लेजेंडरी पे तुमको ये मिल जाएगा, अगर मिथिक ना भी हो तो भी चलेगा अभी के लिए। कैरेक्टर रैंकिंग इवेंट सेवा टूथ, अब सेवा टूथ पे एक्स जीन एक्स मैन रिवॉर्ड मिल रहा है, एक्स मैन मेटेरियल देखो क्रिस्टल्स वही कैरेक्टर का रैंकिंग पे मिलेगा जो टीयर 4 आएगा, तो टीयर 4 कैरेक्टर्स का जो कैरेक्टर रैंकिंग इवेंट रहेगा उस पे मिलेगा क्रिस्टल्स, एंड बिना टीयर 4 कैरेक्टर्स जो रहेगा उन पे मिलेगा ए एक्स मैन रिवॉर्ड, तो यही है, ठीक है। सेवा टूथ एक टीयर 3 कैरेक्टर है तो इसीलिए इस पे एक्समैन रिवॉर्ड मिलेगा। जब उल्वरीन का रैंकिंग इवेंट मिलेगा, मतलब ए वाला इवेंट के बाद, यहाँ पे देख सकते हो 5 तारीख को ख़त्म होगा, इसके बाद आएगा उल्वरीन का टीयर 4 वाला उल्वरीन का रैंकिंग इवेंट, तब सभी को क्रिस्टल्स मिलेगा। एंड गोल्ड स्टोर ओपन, यहाँ पे गोल्ड दे के ये सब ले सकते हो, स्पेशल गोल्ड चेस्ट यहाँ से ये सब मिलने का चांसेस है, तो मैं बोलूँगा अगर गोल्ड सेव करते हो तो यहाँ पे स्पेंड मत करो, क्योंकि कोई भी रिवॉर्ड उतना वर्थ इट नहीं है सिवाय ये मेगा रैंक अप टिकट के। तो अगर एकदम ही मेगा रैंक अप टिकट चाहिए तो गोल्ड स्पेंड करो, वरना मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद आ रहा है यहाँ पे रैंक 1 एंटीमेटर नॉन स्टोन, सबको मिलेगा, ये स्पेशल गिफ्ट है, ओके। फिर एनर्जी बोना, सब एनर्जी स्पेंड करने का परफेक्ट टाइम, अगर 3000 एनर्जी स्पेंड करते हो तो कॉमिक कार्ड चेस्ट मिलेगा, बाकी का ठीक ही है, नॉर्मल रिवॉर्ड। एक्समैन अपडेट चेकिंग, अब एक्समैन अपडेट चेकिंग रिवॉर्ड मिल रहा है हर डे, ये सब एवरी डे लॉग इन करो एंड ये सब रिवॉर्ड लेते रहो। तो यही था अपडेट, ऑलमोस्ट 30 मिनट प्लस का वीडियो हो गया भाई पैच नोट्स के ऊपर, बट पूरा आराम से मैंने डिस्कस किया हर टॉपिक पे, एकदम गेम ऑन करके मैंने यहाँ पे पूरा चेक कर लिया कैरेक्टर का कितना क्या क्या चेंजेस, मतलब नोटिसेबल चेंजेस है। अभी देखते हैं उल्वरीन चाचा कैसा होता है, कितना अपग्रेड उल्वरीन को मिल रहा है, एंड फिर सभी के लिए, मतलब फिर सभी लोग लेना यूनिफॉर्म, मतलब जो लोग के पास अब उतना क्रिस्टल नहीं है, सोच रहे हो कि भाई उल्वरीन का यूनिफॉर्म लूँ या नहीं लूँ, तो तब पता चल जाएगा, मैं मेरा रिव्यू आएगा। अभी बहुत टाइम है, यूनिफॉर्म ऑलमोस्ट 7 दिन तक रहेगा सेल, तो हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं कि भाई फर्स्ट ही दिन लेना है। एंड अगर उल्वरीन बिल्ड नहीं है तो मैं बोलूँगा यूनिफॉर्म तब फास्ट पेन मत लेना। उल्वरीन भी वही कैरेक्टर्स के अंदर आता है जहाँ पे वो लोग वो कैरेक्टर्स रहता है, लाइक एडम वारलॉक जीन वैसा ही रहता है उल्वरीन, ठीक है। तो उल्वरीन को पहले यूनिफॉर्म मत ले लेना अगर तुम्हारे पास 15 कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक नेटिव टीयर 2 कैरेक्टर है, इसका भी कॉस्ट डबल है, तो भाई वो भी थोड़ा देख के करना, मतलब रेगुलर टीयर 2 कैरेक्टर से इसका कॉस्ट ज़्यादा है। एंड एक चीज़ और, ठीक है, मैं एक मुझे याद आ गया एक और चीज़ जो बोलना था, देखो क्योंकि ये नेटिव टीयर 2 है, नेटिव टीयर 2, तो मुझे जो अभी लग रहा है कि इसका भी जो पोटेंशियल रियलाइज करने जाओगे तो इसको लेवल अप करने के लिए बायोमेट्रिक्स लगेगा,
उल्वरिन के टाइम बायोमेट्रिक्स के साथ तुम शायद एक्समैन मटेरियल्स भी स्पेंड कर सकते हो लेवल अप करने के लिए। अगर तुम्हारे पास कम बायोमेट्रिक्स है तो भी तुम उल्वरिन को कर पाओगे। तो इसीलिए ये एक्समैन मटेरियल्स इन्वेंट्री पे सेव करके रखना, ठीक है, क्योंकि ये मटेरियल्स उल्वरिन को लेवल अप करने पे काम आएगा। तो यही था एक छोटा सा टिप, एंड बाकी का बढ़िया लगा अभी के लिए ये जो पैच नोट्स। सेवा टूथ भी एकदम ओपी लग रहा है, उल्वरिन भी तो देख के उतना अच्छा नहीं लग रहा, बट गेम प्ले में ही पता चलेगा। बाकी का टीयर फोर स्किल मुझे बढ़िया लगा, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट जैसा ही है बट ठीक है, क्योंकि अटैक स्टैट बहुत ज़्यादा दिया है, ऊपर से एचपी भी, तो ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। बाय।